हम अगर जातियों में ही बटे रहेंगे तो हम कैसे एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। मूर्तियां जो हटी हैं तो वो हम साथ लड़ाई अगर लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, हमारे युवा महिलाएं कितने हमारे साथ आ जाएंगे। अगर हम एक दिन आंदोलन भी रखते हैं तो कितनों को हम ला सकते हैं अपने साथ। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमें लड़ना होगा और वो मूर्तियां दोबारा से वहां लगनी चाहिए और ये आंदोलन होना चाहिए। सौंदर्यकरण की बात है तो वो सौंदर्यकरण उन्हीं मूर्तियों से ही था, वो ही थी उस पार्लियामेंट की खूबसूरती, बाबा साहेब की मूर्ति। 75,000 लोगों ने करीबन जेल गए थे और आंदोलन हुआ था और आज जब हट गई है मूर्ति, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा इतिहास। भीमा कोरेगांव था, आपने देखा कि कैसे हमने इसके खिलाफ, तो हम क्या हैं इस देश में। आप संविधान समान विधान बाबा साहेब देकर गए, उससे चलना चाहिए ना देश। तो ये तो धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मंदिर ये जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें जब बाबा साहेब की मूर्ति और जो बता रहे हैं यहाँ पे जो सारी चीज़ें अभी बातें हुई कि 75,000 लोगों ने करीबन जेल गए थे और आंदोलन हुआ था और आज जब हट गई है मूर्ति, इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा इतिहास। भीमा कोरेगांव था, आपने देखा कि कैसे हमने इसके खिलाफ, तो हम क्या हैं इस देश में। आप बताइए आज महिलाओं की संख्या भी इस मीटिंग में कितनी है या अन्य संगठनों में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। हमारी महिलाएं, पहली बात तो अगर आप कहेंगे कि महिलाएं मीटिंगों में नहीं आ रही तो मैं कह रही हूँ कमी किसकी है, हमारे पुरुषों की है, हमारी कमी है। शिक्षित नहीं है तो कमी किसकी है। और मैं ये भी नहीं बोल रही कि वाल्मीकि समाज हो या अन्य समाज हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर जातियों में ही बटे रहेंगे तो हम कैसे एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। मूर्तियां जो हटी हैं तो वो हम साथ लड़ाई अगर लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, हमारे युवा महिलाएं कितने हमारे साथ आ जाएंगे। अगर हम एक दिन आंदोलन भी रखते हैं तो कितनों को हम ला सकते हैं अपने साथ, कितनी भीड़ हमारे साथ और युवा और हमारी आने वाली जनरेशन यहाँ सेफ है इस देश में। मेरी चिंता ये है कि अगर मैं इस देश में आज हूँ, मैं यहाँ खड़ी हुई बोल रही हूँ और मैं अगर आप सबको देख रही हूँ कि मेरे बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे, इतने सारे डिग्री होल्डर्स हैं, संस्थाएं मेरे बाबा साहेब के नाम की, बहुजन समाज की, ऑल इंडिया लेवल की चल रही हैं, तो मेरा बहुजन समाज क्यों सोया हुआ है, मेरा बहुजन समाज युवा महिलाएं क्यों घरों में हैं, क्यों वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी कमी, इसका कारण क्या है, मुझे बताइए आप। वो जागरूक क्यों नहीं है, वो हिंदू के नाम पे आपके वोट भी ले सकते हैं, आपके नोट भी ले सकते हैं, हर चीज़ ले सकते हैं आपके हिंदू के नाम पे, और लेकिन हम बाबा साहेब के नाम पे आपके विचार भी नहीं पहुंचा सकते हम अपने समाज में। ऐसे कैसे हैं हम बहुजन, ऐसे कैसा हमारा देश है। हम तो मूल निवासी हैं, मूल निवासी इस देश के, और संविधान हम क्या मनुविधान को क्यों माने। मैं तो महिला हूँ, मैं क्यों मानूँ, तो मेरा इस देश में क्या है। तो यही सब चीज़ें हैं कि हमें लड़ना होगा और वो मूर्तियाँ दोबारा से वहाँ लगनी चाहिए और ये आंदोलन होना चाहिए और बड़ी तादाद में लोग आने चाहिए जब भी, और वो मूर्तियाँ सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें वो मूर्तियाँ उसी स्थान पे चाहिए, चाहे वो MPs की गाड़ी कहीं खड़ी हो, चाहे पार्किंग का बहाना जो भी है, लेकिन हमें अपनी सौंदर्यकरण की बात है तो वो सौंदर्यकरण उन्हीं मूर्तियों से ही था, वो ही थी उस पार्लियामेंट की खूबसूरती, बाबा साहेब की मूर्ति। और कुछ भी नहीं है इस देश में समानता का, नॉलेज सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, सिंबल ऑफ इक्वालिटी कौन है, बाबा साहेब हैं और कोई भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमें वो मूर्तियाँ वहीं चाहिए। और जो हमारा समाज आज भी सोया हुआ है, क्या हमने पड़ोसी के घर में या अपने किसी रिश्तेदार के घर में कभी जाकर पूछा कि आप क्यों नहीं जागरूक हो रहे, आपको क्या कमी है, आपको क्या कारण है कि आप आंदोलन मीटिंगों में हमारे साथ नहीं आ रहे, समाज नहीं आ रहा, कभी हमने पूछा जाकर, संस्था बनाकर बैठे हम। तो यही बात है कि आने वाले समय में जो भी आंदोलन हो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो हमारी मूर्तियाँ हमें उसी जगह चाहिए। जन आंदोलन के लिए हर आदमी इसकी आवाज़ को उठा रहा है और जब तक आपकी 5,000 एप्लीकेशन 16 तारीख तक 80,000 एप्लीकेशन जाती हैं
तो वो जन आंदोलन जो आप करने जा रहे हैं उससे पहले आगाज होगा और वो फाइल पुटअप करनी कंपलसरी हो जाएगी, वरना जन आंदोलन की एक न्यूज बनेगी, सीबीआई इंफॉर्मेशन देगी, थाने के अंदर गिरफ्तारी हो जाएंगी और कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। लेकिन वो जो पत्र जाएंगे वो पत्र इस बात के प्रतीक होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पत्रावली जाएगी वो उसके ऊपर ध्यान को आकर्षण करना पड़ेगा, मैं ये सुझाव के रूप में कहना चाहूँगा। साथियों, क्षमा करना, माफ़ करना इस बाबा साहब की भूमि से आज से नहीं, 50-52 साल से तो मेरा रिश्ता रहा है और जितने भी ये महानुभाव बैठे हैं उसमें से काफ़ी लोग मुझसे परिचित भी होंगे। आज मैं खेत के साथ कह रहा हूँ, खेत के साथ। अभी यहाँ पे एक बात कही गई कि हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे प्रतिनिधि आवाज़ क्यों नहीं उठाती है, ये प्रश्न अभी आया। क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, क्षमा के साथ। और आज की बात याद रखना कि हो सकता है मेरा जीवन आगे चले ना चले, लेकिन ये बात वास्तव में आगे आएगी। बाबा साहब दोहरी मतदाता प्रणाली ला रहे थे, यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति को वोट देगा। अब वही दोहरी मतदाता प्रणाली पर महात्मा गांधी ने अनशन किया और उसके बाद में रिजर्वेशन आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिएगा इस क्षेत्र के अंदर ये करोलबाग की विधायक की सीट रिजर्व है, यहाँ से विशेष रवि हमारे विधायक हैं, यहाँ से बीजेपी का भी लड़ेगा, कांग्रेस का भी लड़ेगा, आपका भी आएगा, बीएसपी का भी आएगा, हर जगह आते हैं। कभी वहाँ के एससी की जो कम्युनिटी के 30% 35% लोग हैं, उन्होंने बैठ के कभी ये फैसला किया कि इनमें से 5 आदमियों में जो कांग्रेस, बीपी, जनता दल और आम पार्टी के हैं, इनमें से समाज का व्यक्ति कौन है, समाज का दर्द किसके दिल में, हम उसको चुने, बाकी प्रतिनिधि ना चुने, और समाज का आदमी एक साथ चुना जाएगा तो वो आपकी नौकरी करेगा। आपकी नौकरी करे क्यों, वो आपके दम पर नहीं जीतता, वो जाता सब रंग समाज के दम पर जीतने के लिए। दलित समाज के वोट विभाजित होते हैं, जाटो, खटी, धोबी, बाल्मीकि सब बट गए ना। सवरण समाज देखता है कि इनमें सबसे बड़ा नौकर कौन है, वो उसको वोट दे के जिताते हैं। अब वो आदमी आपके बाद बोले क्यों, अगर आपको अपनी आवाज बुलानी है तो अपना प्रति चुनने के लिए चुनाव के समय ऐसा आदमी चुनिए जो आपके समाज का दर्द रखता। आदरणीय गौतम साहब बैठे, इन्होंने एक बात कहा था, 22 प्रतिज्ञा के ऊपर इस्तीफा दिया, समाज ने कौन सी क्रांति करके इनके साथ दे दिया, क्षमा करना मुझे। आज हाउस में बोलने वाले चमचे चाहिए, और जो हाउस में जिदार से बोलते हैं वो राजनीतिक दल की आंखों में खटकते हैं, और जो वो वहाँ भी खटकते हैं समाज में भी खटकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ये परिपाटी बदल दो, वरना आपके बच्चे उसी जगह पत्तल पर रोटी खाएंगे जब पहले खाते थे। अपने आप को परिवर्तन करना तो अपने आप को सुधार लो। धन्यवाद। श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ती है, इसलिए हम इसका एक कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं एक, जो एक जगह सारे स्थापित हो जाए और कोई विदेशी से आए और उनके सबको हमें श्रद्धांजलि अर्पित कर दे। ये उनका एक अपने सारांश उन्होंने दिया है। इस संदर्भ में मैं आज कॉपी नहीं लाया हूँ, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रेस तरफ से हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी हमने लेटर लिख चुके हैं, उसी कॉपी मैं आपको दे दूँगा। हम लेटर लिख चुके हैं, परसों हमने उसको सपोर्ट कर दिया था और उसने हमको कॉपी को हमने दे दिया है। इस संदर्भ में दो बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। एक तो ये है कि आप जितनी भी संस्था आज बैठी हैं यहाँ पे, जितनी भी संस्था बैठी हैं, सब अपने अपनी संस्था के लेटर पैड पे, जो अभी साहब ने बताया था, सब अपनी छोटी संस्था है या बड़ी संस्था है, ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जो छोटा गली का है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्यों, संस्था उसकी भी रजिस्टर्ड है, उसकी भी है। हर व्यक्ति आज जा करके चाहे 4 लाइन लिखें लेकिन उसको लेटर लिखें और राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को और अध्यक्ष को दें, और साथ साथ में एक कॉपी राहुल गांधी को भी दें, जिसे कम से कम विपक्ष को पता लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हमारी भावना क्या है। तो ये जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं करेंगे किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। एक पक्ष तो ये है कि हम सारी संस्थाएं सारी लिखें, दूसरा पक्ष ये है कि इस काम में पहले से ही 2 तारीख से, आज 16 तारीख है, कितने दिन हो गए, 14 दिन हो चुके हैं, इस काम को ज़्यादा डिले ना किया जाए और जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को बनाया जाए जिससे हम जल्दी जल्दी जाग सकें। वरना 4, 5, 6, 10 तारीख तक तो यही हो रहा था कि भाई हमारा समझ कहाँ गया, हम तो सोए पड़े, मर गए सारे, कोई तैयार नहीं, उसको लगाने में 1000 लोग होंगे जेल में गए लोग,
अपने कई के माँ बेटा तक जेल में गए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज उसको हट गई तो हम सारे सो रहे हैं। मैंने कहा साहब आपको भी घर भी गया मैं आपके, लेकिन आप मिल नहीं पाए मुझे और आपका फ़ोन भी मुझे नहीं मिल पाया। मैं आपसे भी कंसल्ट करना चाहता था। मैंने कम से कम बता रहा हूँ आपको बुद्धि सोसाइटी होने के नाते 6 लोगों को फ़ोन किया और अच्छे लोगों को, भाई इसमें क्या हो रहा है, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं। और अंत में बता दूँ आपको चंद्रशेखर जी को भी मैंने बात की है, चंद्रशेखर जो अभी बने हैं, अभी जो बने हैं ना MLA MP हैं आजाद जी, मैंने उनको भी अभी यहाँ आए थे पिछले दिनों तो माइक मेरे हाथ में था, मैंने उनको वहाँ नारे लग रहे थे, सब स्वागत कर रहे थे, मैंने भी स्वागत किया बुद्धि सोसाइटी तरफ से, लेकिन उनसे कहा भी था मैंने भी, आप भी थे शायद, बोल गए वो तो नहीं, बोले ना बोले वो अलग बात है, बोले ना बोले को रेस्पॉन्स ऐसा नहीं मिला जो हम चुप हो जाते, लेकिन हमने उनको भी इशारा किया कि जी वहाँ पार्लियामेंट की वो हट रही है उसमें आपका क्या विचार है, इसके बाद हम स्पष्टीकरण दें, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और अंत में मैं तो कहने साहब को बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम इन लोगों ने इसकी पहल तो की है और इनका साथ तो हम सब दें, अगर साथ नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि हर संस्था अपने लेटर पैड पे, चाहे छोटी संस्था बड़ी संस्था है, सारी लिख दें और 4-5 दिन के अंदर सारे मत जाओ कहीं भी, स्पीड पोस्ट कर दो। स्पीड पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी कर सकते हो, स्पीड तो घर बैठे कर दीजिए, लेटर वहीं जाएगा, एड्रेस आपका गूगल पे मिल जाएगा सबका, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, हर आज व्यक्ति का गूगल पे एड्रेस मिलेगा, सब उसको पोस्ट कर दीजिए, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है जैन साहब, मैं यही निवेदन करूंगा आपसे भी कि जितनी भी जल्दी जल्दी हो सके आप इसको आंदोलन कीजिए। अभी इस संस्था का भी हमने अपने व्हाट्सएप पे डाला था आज की मीटिंग के लिए भी, और बुद्धि सोसाइटी की दिल्ली प्रदेश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे बुद्धविहार हैं, जितना भरसक प्रयत्न होगा हम आपके साथ रहेंगे, इसको आंदोलन बनाने को सफल में हम बहुत पूरा प्रयास करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।